नमस्कार दोस्तों, अल्फाज अध्या चैनल पे मंजू सोनी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कोजगारी पूर्णिमा भी कहते हैं। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष तो पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है। शरद पूर्णिमा वह धार्मिक पर्व है जिसके चंद्रमा के पूर्ण स्वरूप का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ उदय होते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक कला मनुष्य की एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है तथा सभी 16 कलाओं में संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। यह मानता है कि श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर रखा जाता है उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या लाभ हैं। चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली रश्मियाँ किरणें अद्भुत स्वास्थ्यप्रद और पुष्टिवर्धक गुणों से भरपूर होती हैं। साथ ही यह मानता भी है कि इस दिन चंद्र प्रकाश से अमृत की वर्षा होती है। श्रद्धालु इस दिन खीर बनाकर इसे चंद्रमा के सभी सकारात्मक दिव्य गुणों के लिए इस मिष्ठान को बर्तन में चांदी के बर्तन में चंद्र प्रकाश से सीधे संपर्क रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप स्टील में भी रख सकते हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में अगली सुबह वितरित किया जाता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक भी बहुत महत्व है। शरद पूर्णिमा के बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है जिसे हेमंत ऋतु भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन वो विचरण करती हैं धरती पे, इसलिए उनकी पूजा शरद पूर्णिमा पर जरूर करनी चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:45 से शुरू होगी और 31 अक्टूबर को रात 8:18 खत्म होगी। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के बाद उसे किसी चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। उसके बाद उसे चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए। चंद्रमा की तेज रोशनी से चावल में मौजूद स्टार्च दूध के अच्छे बैक्टीरिया को बनाने में मदद करते हैं, जिससे खुले आसमान में रखी गई खीर बहुत ही लाभकारी होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। इतना ही नहीं, हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी इस दिन खीर खानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही लाभ मिलता है। जिन लोगों की आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है उन्हें चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा तेज चंद्रमा की रोशनी वाली खीर दिल के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। नवविवाहिता स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ भी शरद पूर्णिमा के पर्व से होता है। यह दिवस धन की देवी माता लक्ष्मी से भी संबंधित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पूर्ण रात्रि माता लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति कुंडली में महालक्ष्मी योग नहीं होने के उपरांत भी अथाह धन और वैभव की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के उत्सव को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, इसे राज पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है यह शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज नामक दिव्य नृत्य किया था। ब्रिज और वृंदावन में राज पूर्णिमा का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट भी जरूर दें आपको वीडियो कैसे लगा का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।